आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के कोर्ट नंबर 89 में जस्टिस महक जैन साहब की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई, और जिसमें के पहले बताया जा चुका है कि पहले शाही ईदगाह पक्ष के लोग यानी मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख चुका है, और अब इस केस में 7/11 पर कुशलता को लेकर सुनवाई हो रही है, उस पर सुनवाई चल रही है, और जिसमें हिंदू पक्ष का अपना पक्ष रख रहे हैं। आज विभिन्न केसों में हिंदू पक्षों की ओर से केस नंबर 4, 5 एवं अन्य केसों में अपनी पक्ष रखे गए। मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट वैसे कॉन्क्लूड हो गई है, और अब माननीय न्यायालय के द्वारा शेष बहस के लिए कल की तारीख यार 21 मई की तारीख निर्धारित की है। 21 मई को 2 बजे हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे, और जिसमें शाही ईदगाह के पक्ष के लोग जो एडवोकेट्स हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो कल इसकी सुनवाई होगी 21 मई को 2 बजे, लेकिन इसमें हम हिंदू पक्षकार अपना पक्ष विधिवत रूप से रख चुके हैं, पहले जो शेष रह गए वो रखेंगे। लेकिन प्लेसेस ऑफ बर्थ पैक लिमिटेशन एक्ट, पजेशन एक्ट का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है, इसको हमने डिफाइन किया है। विभिन्न उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हमने दाखिल की हैं, और हमने भारतीय इतिहासकारों की पुस्तकें दाखिल की हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया है, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया है, और इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी कैसे हमारे पास आई उसकी रजिस्ट्रियां भी हमने दाखिल की। विदित रहे कि इसमें औरंगजेब के द्वारा 1670 में इस मंदिर को तोड़ा गया था, इस मंदिर की दीवार पर आज भी हिंदू प्रतीक बने हैं, तो जो कहीं भी ईदगाह को प्रदर्शित नहीं करते, ये ईदगाह है मस्जिद नहीं है, और ईदगाह प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 की परिधि में नहीं आती है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पर ये एक्ट प्रभावी नहीं है, लिहाजा ये हिंदुओं का मंदिर है और यहाँ पर ये हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए, और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की आड़ में ये लोग इस केस को नहीं चलने देने का बहाना कर रहे, ये गलत है, और केस को यथावत शीघ्र की सुनवाई हो, सुप्रीम हो, एविडेंस आए और एविडेंस के आधार पर केस का विस्तार हो। और लेकिन अब इसमें अग्रिम तारीख 21 मई है, कल यानी 2 बजे सुनवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।